अब खबर सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के समेत जिले के नसरुल्लागंज शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित होने वाले समूह विवाह सम्मेलन में 457 दूल्हों की बारात को लेकर विवाह सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां पर कन्याओं के पूजन के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर और वधु दोनों पक्षों के कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन किया, जहां मंडी परिसर से लेकर महाविद्यालय प्रांगण तक लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते में बारातियों के साथ नाचते पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी बेटियों के सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने सभी जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी बेटियां मेरी भांजी हैं और इस रिश्ते से यहां आए सभी दूल्हे मेरे दामाद हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह के तहत राशि को बढ़ाकर 55,000 कर दी है, जिसमें 11,000 की राशि बेटी के खाते में जमा की जा रही है। इसके साथ ही घर गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माता पिता से कहता हूं कि अपनी बेटियों की चिंता ना करें, बेटियों के विवाह की सारी जिम्मेदारी मामा पूरी करेंगे। इस दौरान वर वधु को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना ने नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 21 अप्रैल को आयोजित विवाह सम्मेलन में प्रत्येक हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री एवं 11,000 रुपयों का चेक दिया गया। इसमें 6,000 रुपए आयोजन व्यय भी शामिल है। वहीं कन्या विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिव्यांग जोड़े अंसार खान और रिजवाना को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, जिनमें 2 लाख रुपए योजना के तहत तो वहीं 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी ओर से देने की घोषणा की। बोलो बोलो। मामा धन्यवाद आपने हमारे बच्ची सविता के लिए, माँ बाप की अब टेंशन खत्म हो गया। मेरा नाम रजनी पायल है, मैं गाँव है, हमारा गाँव अलीपुर है। मेरी वाइफ का नाम अलादी सोलंकी है और उनका गाँव है मान और सम्मान के साथ स्वागत किया है। बहुत अच्छा हुआ है और हमारे जो है सामग्री के लिए बहुत अच्छी मिली है। मेरा नाम जितेंद्र हरियाले है, मैं ग्राम पोस्ट कुलनयापुरा से बिलोंग करता हूँ। ये सुलोचना है, हम दोनों की आज शादी है और हम बहुत खुश हैं कि मामा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी और हमें सामान सब कुछ मिल गया है और हम मामा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस योजना का वापस से शुभारम्भ किया।